rushabhai.com विश्वास वही रफ्तार नई। रुषा दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कल रामनवमी है, इसको लेकर आज से ही पूरे पटना में तैयारियां शुरू हो गई है। शहर को सजाया जा रहा है, झांकी की तैयारी की जा रही है। पटना महावीर मंदिर में विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। पटना महावीर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लोग जो है जो लोग महावीर मंदिर दर्शन करने आएंगे उनके लिए विशेष खास तरह की व्यवस्था की गई है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पुष्प वर्षा भी होगी पटना महावीर मंदिर पर। इसके साथ ही साथ आज शाम से ही उधर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दी गई है और कल रात यह व्यवस्था 10:00 बजे तक रहेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं महावीर मंदिर के आसपास में किस तरह से सजाया गया है शहर को और क्या व्यवस्था की गई है। पटना जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था और अन्य संगठनों की ओर से कल सुबह 2:00 बजे से ही मंदिर के पट खुल जाएंगे और यह पट कल तब तक खुले रहेंगे जब तक कि भक्त दर्शन करना आना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ पटना हनुमान मंदिर प्रशासन की ओर से कई जगह पर नैवेद्यम का स्टॉल लगाया है। भक्त दर्शन करने वाले आने वाले लोगों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को भी लगाया गया है। पटना जिला प्रशासन के पदाधिकारी और पुलिस, पटना पुलिस के जवान भी भक्तों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।